बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ विजडम हाउस स्कूल सिस्टम क्लास नाइन्थ। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 एंड 55। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, जदीद तरीन शक्ल है माइक्रोस्कोप की। और दो टाइप्स हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ हाईली ऑर्गेनाइज एंड मोस्ट डिवेलप्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप विच आर यूज टू एग्जामिन, विच आर यूज टू सी द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द different objects, like an object smallest, even smaller than the size of an bacterium, which is 0.2 micrometer in size. So electron microscope mein object or lens ko place kar diya jata hai ek vacuum chamber mein, aur beam of electron jo hai wo us object mein se guzari jati hai. Beam vacuum chamber mein, zahiri baat hai, ab vacuum chamber hai to usme koi medium nahi hoga, matlab vacuum hai, vacuum itself ek medium hai, lekin usme air wagera nahi hogi, particles ki movement nahi hogi. तो उस वैक्यूम चैम्बर में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारने ऑब्जेक्ट जिसको जिसका एक क्लियर इमेज हम देखना चाहते हैं उसका उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारी जाएगी, और जब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होकर आएंगे तो उसका एक क्लियर और